दोस्तों एक वक्त था जब गुलजार भाई को शुरू शुरू में सुनना शुरू किया था। कौन है यार? रिएक्शन वीडियो बना रहा था, लेकिन आज एक वक्त है कि आज जिस तरीके से गुलजार भाई के फैन आप हो, एज इट इज फैन में हूँ। हेलो, मतलब आप जितनी मोहब्बत गुलजार भाई से करते हो, कहीं ना कहीं उतनी ही मोहब्बत मैं भी गुलजार भाई से करता हूँ, और उतनी ही प्यार हो गया है गुलजार भाई के गानों से। गुलजार इट्स इनफ नाउ, मैं मम्मी पापा को अपने साथ ला रही हूँ तुम्हारे गांव घुमाने। तभी तो आज लगातार ये छठवा गाना मैं देख करके उस पे रिव्यू बना रहा हूँ। क्या उनसे शादी की बात कर लेना। अब सोच सकते हो, मतलब पहले आई नो कि सारे गानों पे हम लोग रिएक्शन वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन अभी लगातार सर्दी हो रही है, मुझे भूखा हूँ, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं है, सर्दी है, फिर भी अम्मा मुझे नहीं पता, क्योंकि रिव्यू बनाना जरूरी है, क्योंकि ये दिल की मेरी बातें हैं जो गुलजार, क्योंकि मुझे अधूरा सा रह जाएगा अगर मैं गुलजार भाई की तारीफ नहीं करूंगा, अगर गुलजार भाई के बारे में नहीं बताऊंगा, गुलजार भाई के गानों के बारे में जो मैंने सोचा, जो मैंने महसूस किया, अगर वो मैंने बताया ही नहीं तो वो मेरे लिए बहुत ही दुख की बात होगी, बड़ा ही मुझे अजीब लगेगा। अरे कालिया ब्याह दिया गी रे, शुरू करते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके आए हो कि सिंपल लाइफ के ऊपर रिव्यू बनाने वाले हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो अगर आप लोग हमें बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि सिंपल लाइफ कहीं ना कहीं मैंने कहा है कि मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है, मुझे बहुत पसंद है, और ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद है, क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही दिल को छूता है। सिंपल सी लाइफ मेरी, दिल देसी, काम ब्रांडेड। सिंपल सी लाइफ मेरी रे, दिल देसी, काम ब्रांडेड। और इस गाने की बात करें तो गुलजार भाई की ये स्पेशल बात है कि वो हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। जैसे मैं अभी, ये मेरा चौथा पांचवा गाना है जिसके ऊपर मैं रिव्यू बना रहा हूँ लगातार बैठ करके, और ये पांचवा गाना है, तो ये पांचवा न्यू सॉन्ग है, मतलब यूनिक है। कोई गाना डीजे है, कोई गाना फनी है, कोई गाना अलग कॉन्सेप्ट, कोई गाना अलग अलग फील, अलग म्यूजिक, अलग कॉन्सेप्ट, अलग तरीका। तो ये गाना भगवान के ऊपर है उनका, कि सिंपल सी लाइफ, दिल देसी, काम ब्रांडेड, और भगवान के ऊपर गाना है, फुल्ली भगवान को डेडिकेट किया है उन्होंने गाना। टुकड़ा दिल का मेरे, चंदा हर रात का। और शुरुआत की इतनी खूबसूरत होती है कि भाई मंदिर दिखाते हैं, भोलेनाथ की मूर्ति दिखाते हैं, मंदिर के सीन्स दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दिखाता है कि भगवान के प्रति कितना प्रेम दिखाया है इस गाने में, और फुल्ली डेडिकेटेड सॉन्ग है ये भगवान को लेकर के। तभी तो बोलते हैं गाड़ी पे जचता फोटो, जचता मेरे नाथ का, गाड़ी पे जचता फोटो, जचता मेरे नाथ का, मतलब भगवान का फोटो गाड़ी पे जच रहा है भाई, और मैं सैल्यूट करता हूँ जो इस तरह के कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। गाड़ी पे जचता फोटो, जचता मेरे नाथ का। और ये हरियाणा के सॉन्ग की स्पेशलिटी है कि भाई वो गानों में भगवान को लेकर के आते हैं, गांव को लेकर के आते हैं, जो बॉलीवुड में देखने को बहुत कम मिलता है। बॉलीवुड के बहुत कम गाने होंगे जो भगवान को डेडिकेटेड होंगे। गंगा जी नाव छोर हरियाणा के, पर्टिकुलर सिंगर्स होते हैं जो सिर्फ भगवान का बनाते हैं भक्ति सॉन्ग, लेकिन जो नॉर्मल सिंगर होते हैं वो भगवान को लेकर के इतने गाने नहीं बनाते जितने हरियाणा में बनाते हैं। चाहे बाकी सिंगर्स के गाने भी उठा के देख लो, चाहे गुलजार भाई के देख लो, सब लोग भगवान को लेकर के कोई ना कोई गाना जरूर बनाते हैं। चोर हरियाणा के, गामा वालों को लेकर के जरूर गाना बनाते हैं, कि गांव के लोगों को लेकर के। तो ये स्पेशल बात है हरियाणा की जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। प्यार जाना हरिद्वार, गंगा जल लियाना रे, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, गाना बजाओ।
कमी नहीं से बस गले माला डलवा दे। और फिर जैसे कि गाने में दिखाया गया है कि उनका स्पीकर बंद हो जाता है, गया बोले नाथ का। अरे यूं क्यों कह रहे? वो लोग डीजे में डांस कर रहे होते हैं और स्पीकर बंद हो जाता है। अरे के बाद अपन क्यों करो गया यो? अपने गुलजार भाई कहते हैं कि भाई बोले कर दे एक जुगाड़, कर दे कितने जुगाड़ बाबा, कर दो जुगाड़ की मैं। तो फिर गुलजार भाई बताते कि रख के दिल पे हाथ, करके आंख बंद और बोल भोले तेरी बम बम बम, बोले तेरी बम बम बम। यानी कि पूरी तरीके से भगवान पर जब आप बिलीव करते हो, भगवान पर जब आप फेथ रखते हो, भगवान पर जब आप विश्वास रखते हो तो इस तरह की चीजें दिखाई जाती है। मतलब ये इस तरह का फील एक दिखाया गया है। और जो जोड़ी दिखाई गई है, केमिस्ट्री दिखाई गई है गुलजार भाई की, गोविंद भाई की, दीपेश भाई की, बहुत बड़ी। या कुल मिलाकर के सॉन्ग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज देता है। और बहुत, अब मैं क्या तारीफ करूं भाई, म्यूजिक अच्छा रहता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लेकर के आता है, नया नया। मतलब गुलजार भाई के गानों में एक चीज मैं बोलूंगा कि मैं जितने गाने बना रहा हूं सब में कुछ नया देखने को मिल रहा है, तभी तो मैं इतना बोल पा रहा हूं। और सैल्यूट है गुलजार भाई को, और सैल्यूट है गुलजार भाई के सभी फैंस को। भाई लोग, आप सभी को मेरा राम राम, आप सभी को मेरा सैल्यूट। और आप लोग कमेंट करके जो बात बोलेंगे मैं उस बात को मानूंगा, और उसके ऊपर भी रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, रिव्यू भी ज़रूर बनाएंगे। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो बाय बाय, राम राम, लव फ्रॉम गुलजार, गुलजार के प्रति प्यार। चलो बाय।